हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग सी रेसिपी, और ये है केले के फूल की चटनी। हम लोगों के साइड तो जो केले का फूल होता है ना, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कोई यूज़ नहीं करते उसका। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये फेमस रेसिपी है नॉर्थ ईस्ट की, जो कि बनती है केले के फूल से, और काफ़ी हेल्दी होती है, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा इसमें जो है प्रोटीन है। और आप लोग इसको जब भी खाएंगे ना, आपको एक बार खाने से दिल नहीं भरेगा, इस तरह से चटनी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये केले का फूल ले लिया है, और इसके अंदर देख रहे हैं आप जो स्टिक जैसी है ना, इन स्टिक को आपको निकाल लेना है। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो हम फर्स्ट स्टिक ले लेंगे, और इसके अंदर का जो बीज है ना, इसको हमें निकाल देना है, और जो बाहर का छिकल है उससे हमारी बनेगी चटनी। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो अंदर का है उसको हमें निकाल देना है, और जो बाहर का छिकल है इसे हमें रखना है। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे इसको निकाल दिया है। और उसके बाद एक अंदर में एक सॉफ्ट सा आता है ना, आप जब छिलते जाएंगे तो ये अंदर में एक सॉफ्ट सा पोर्शन आता है, तो इसको हम पूरा बड़ा बड़ा इस तरह से कट कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे वॉश, और ये हल्का सा चिपचिपा होता है, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो वॉश करने के बाद ये आलू मैंने ले लिया है, तो आलू के मैंने कर दिए इसमें 4 पीस, और उसके बाद हम इसको भी इसमें ढक देंगे। तो कुकर में डाल दूंगी मैं केले के फूल और ये आलू, और सारी चीज़ों को डाल के मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी पानी, 1/2 गिलास के करीब आपको पानी डालना है, आप पानी ज़्यादा ना लें। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक थोड़ा सा, और फिर इस पे जाएगा हल्का सा तेल, ताकि जो इसके अंदर की चिपचिपाहट है ना, वो नमक और तेल से निकल जाए। और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी, और 2 सीटी आने के लिए इसको गैस पर हम चढ़ा देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया है ये काला तिल, और काले तिल को जो है हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी केले के फूल है ना, वो आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिखना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे काला तिल ले लीजिए। और काले तिल के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 से 10 लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च हैं, ये मैंने डाल दिया है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में इस तरह से चला लेंगे, और हल्का सा जैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से जब ये चूरा होने लगे ना, इसका मैश हो जाए, तो हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। तो ये मैंने ले लिया है काला तिल, और ये भुना हुआ लाल मिर्च, और 5 से 6 हरी मिर्च ले ली हैं। तो इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, और दूसरी तरफ हम ग्राइंड करेंगे 8 से 6 जो है हरी मिर्च है, 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, और अदरक मैंने ले लिया है। तो इन दोनों को सेपरेट हमें ग्राइंड करना है, एक साथ नहीं करना है, तो उसको अलग करूँगी और उसको अलग करूँगी। तो ये रहा मेरे काले तिल का जो मैंने ग्राइंड किया है, और ये मेरा हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। और कुकर में हमारा 2 सीटी आ चुका है, तो हम उसको भी निकाल देंगे, ये देखिए। और प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए, उससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो ये हमारे केले के फूल जो है मैंने कर दिया है, और इसका पानी, एक्स्ट्रा पानी निकाल के हम इसको इस तरह से रफली चॉप कर देंगे, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये रेसिपी ना बहुत ही फेमस है, हर मतलब खाने के साथ ये चटनी बनती ही बनती है, तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिए। तो मैंने जितने भी आलू थे और जो फूल थे वो रफली चॉप कर लिए है इस तरह से। तो हमारी चटनी के लिए जो मसाला था वो कट चुका है, अब हम तेल गर्म कर लेते हैं फटाफट से, और तेल आप सरसों का ही लीजिए। और जैसे तेल गर्म हो जाए, तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब जीरा, फिर जाएगा थोड़ा सा इसमें टर्मरिक पाउडर, और उसके बाद एक जो है लाल मिर्च, हरी मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये जैसे मसाला आप डालेंगे ना, तो वैसे आपको इसको बंद कर देना है, और गरम गरम ही हमको इसको इसके ऊपर डाल देना है, देखिए इस तरह से, तभी जो इसका फ्लेवर है ना बिल्कुल खिल के आएगा। ठंडा होके ना डालें, गरम गरम तेल ही आप इसमें डाल दीजिए। और अब कुछ नहीं करना है, इसको करना है हमें अच्छे से मिक्स। तो अब हम चटनी की जान जो है ना, इसको डालते हैं, वो है ये लेमन। तो जो नींबू होता है ना, नींबू तो बिना चटनी, नींबू अगर चटनी में ना पड़ा हो तो उसका टेस्ट ही कुछ नहीं आता। तो भर भर के आप नींबू डालिए, जितना आपको खट्टा पसंद है उस हिसाब से डालिए, और मैं तो अच्छे से डालूंगी, क्योंकि मुझे चटनी में खट्टा जो है ना काफ़ी पसंद आता है। तो इस तरह से मैश करते हुए देखिए, हाथों से इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखिए जो हमारी चटपटी सी चटनी है ना केले के फूल की, वो बन के तैयार है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपकी चटनी बन जाती है, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। आप इसको रोटी के साथ ले सकते हैं, आप इसको चावल के साथ ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं।
और मैं तो इसको ऐसे ही खा जाती हूँ स्पून से ही, बिना रोटी या फिर चावल के साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आती है। तो नॉर्थ ईस्ट में आके मैंने ये रेसिपी सीखी और बहुत टेस्टी मुझे लगी, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर लिया है। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाएं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।